हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माल्टा में अवेलेबल जॉब्स के बारे में। माल्टा में कौन कौन सी ऐसी जॉब्स है जिनके लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही क्या माल्टा में जो जॉब्स अवेलेबल हैं आपको उनके हिसाब से ढल जाना चाहिए या फिर आपको अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वहां पर जॉब्स ढूंढनी चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब जो है दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। दोस्तों आप में से कोई भी किसी भी कंट्री में जॉब अप्लाई करने की सोचता है तो सबसे पहले ये सोचता है कि मैं किस जॉब के लिए अप्लाई करूं, क्या मेरे पास जिस चीज का एक्सपीरियंस है मैं उसी जॉब में अप्लाई करूं या फिर मैं करियर चेंज मार दूं। अगर सपोज किसी के पास 3 साल का करियर कंप्यूटर ऑपरेटर का मतलब एक्सपीरियंस है और उसके बाद वो जाना चाहता है वहां पर डिलीवरी बॉय में, जस्ट बिकॉज हम आपको बोलते हैं कि माल्टा में डिलीवरी बॉय की जॉब्स अवेलेबल है, बहुत ज्यादा डिमांड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वहां जाके डिलीवरी बॉय का ही काम करना है। दोस्तों आप ऐसा काम भी कर सकते हैं जिसमें आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वहां पर हर टाइप की आपको जॉब मिलेगी। हेल्थ केयर सेक्टर में, IT सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, आपको बैंकिंग सेक्टर में, गेमिंग सेक्टर में, आपको वेब डेवलपमेंट के सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के सेक्टर में, हर सेक्टर में जो है आपको जॉब मिलेगी। दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपको खुद के हिसाब से जॉब सर्च करनी या फिर एम्प्लॉयर के हिसाब से वहां पर अवेलेबल जॉब्स के हिसाब से आपको खुद को ढाल लेना है। ठीक है, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको जिस चीज का एक्सपीरियंस है आप उसी टाइप की जॉब्स के लिए अप्लाई करो। अनटिल और अनलेस आप फ्रेशर हो दोस्तों, आपको किसी के हिसाब से ढलने की जरूरत नहीं है। सपोज आपके पास किसी भी चीज का एक्सपीरियंस है, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जिस चीज का भी एक्सपीरियंस है आप उस हिसाब से जो है जॉब्स के लिए सर्च कीजिए और उस हिसाब से जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए ताकि आपको जो है आपके एक्सपीरियंस का एक एडेड एडवांटेज मिले। और अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर आप वहां डिलीवरी बॉय की जॉब के लिए जाइए, वेटर की जॉब के लिए जाइए, पिकर पैकर की जॉब के लिए जाइए, वेयर हाउस ऑपरेटर की जॉब के लिए जाइए, आपके लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। यानी कि आप एक्सपीरियंस हैं, फ्रेशर हैं, डजंट मैटर, जॉब्स हैं आपके लिए। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अभी मैं कुछ कंपनीज के बारे में बता देता हूं और किस टाइप की जॉब्स के लिए वो हायर कर रहे हैं वो भी आपको बता देता हूं। सपोज आप टैक्सी ड्राइवर का काम करना चाहते हैं। दोस्तों आपने टैक्सी वैक्सी चलाई हुई है इंडिया में या फिर आपको गाड़ी चलानी आती है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, तो आप जो है ई कैब्स नाम की कंपनी में, माल्टा के ई कैब्स में जो है दोस्तों आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आराम से कुरियर ड्राइवर या फिर टैक्सी ड्राइवर का काम कर सकते हैं। ई कैब्स के अंडर अभी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। साथ ही ई कैब्स के में अगर आपको जॉब्स नहीं मिल रही है या फिर ई कैब्स में आप अगर काम नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है वोल्ट। आप वोल्ट के अंडर भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें भी आपको कार ड्राइवर, कुरियर ड्राइवर, डिलीवरी ड्राइवर की जॉब मिल जाएगी जिसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। दोस्तों साथ ही इसमें ओवर टाइम वगैरह, वो टिप्स वगैरह तो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं या फिर अगर आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में थोड़ा एक्सपीरियंस है तो ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं दोस्तों जिन होटल्स में जो है आप बहुत आसानी से जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हायरिंग भी चल रही है। अभी हिल्टन हो गया, हयात हो गया, साथ ही आपको मैंने कुछ दिन पहले कोरिंथिया के बारे में बताया था। दोस्तों उसके पहले भी मैंने बहुत सारे आपको होटल्स के बारे में बताए थे, रेडिसन के बारे में बताया था। इन सभी होटल्स में जो है आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है। इनके करियर वेबसाइट पर जाइए, इनके करियर वेबसाइट पर डायरेक्ट जाकर के जो है आप जॉब्स के लिए सर्च कर सकते हैं। अवेलेबल जो जॉब्स है उनका उनके हिसाब से जो है आप सीवी और कवर लेटर बनाइए। सपोज वेटर की जॉब अवेलेबल है तो खुद के लिए एक वेटर का सीवी और कवर लेटर बनाइए दोस्तों यूरोपियन फॉर्मेट का, और उसके बाद जो है जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। साथ ही अगर आप यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बनवाना चाहते हैं तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे अपना सीवी और कवर लेटर बनवा सकते हैं। एकदम प्रोफेशनल सीवी और कवर लेटर बना के देंगे दोस्तों मात्र 3 से 4 दिनों के अंदर में। और एक हमारा ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप ATS फॉर्मेट का सीवी बनवाते हैं, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के लिए सीवी बनवाते हैं दोस्तों, तो आपको कनाडा का सीवी फ्री मिलने वाला है हमारी साइट से, यानी एक के साथ एक फ्री। लेकिन ये ऑफर जो है यूरोपास पे वैलिड नहीं है। अगर आप यूरोपास का सीवी बनाएंगे तो सिर्फ यूरोपास का सीवी ही मिलेगा और कवर लेटर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद अब बात कर लेते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की। हमने बात कर ली, उसके पहले हमने बात कर ली कि आपको ड्राइविंग वगैरह में रिलेटेड कहाँ जॉब्स मिल सकती हैं। इसके बाद अगर आप वेयर हाउस का काम करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे ऐसे सुपरमार्केट्स हैं जहाँ पर आपको आराम से वेयर हाउस का काम मिल जाएगा दोस्तों। आपको जो है कुछ करना नहीं है, आप अलग अलग जॉब पोर्टल्स पर जा सकते हो या फिर जॉब पोर्टल्स पर जाने के बाद कंपनी का नाम निकाल करके, कंपनी के बारे में डिटेल्स लेकर के, कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हो इंडिविजुअली और फिर पर्टिकुलरली उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तरीका भी है आपके पास, ठीक है। वेयर हाउस की जॉब्स अवेलेबल है, कुक वगैरह भी आप रेस्टोरेंट में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, होटल में भी कुक वगैरह की जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों। साथ ही हेल्थ केयर की बात करी जाए तो हेल्थ केयर में रजिस्टर्ड नर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपने रजिस्टर्ड नर्सेज का डिप्लोमा या कोर्स कर रखा है तो भैया आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी अगर आप जाना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड नर्सेज को तो स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है। तो अगर आप रजिस्टर्ड नर्सेज का काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको।
आपको माल्टा में, इसके बाद कंस्ट्रक्शन फील्ड में लेबर हैं या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, साइट इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं दोस्तों, आपको जो है अलग अलग कंपनी में अलग अलग जॉब्स मिल जाएंगी। ऐसे बहुत सारे जो है ग्रुप ऑफ कंपनीज है, एम डिमाजो हो गया, डिबोनो ग्रुप हो गया, अल्बर्टा ग्रुप हो गया, ऐसी ऐसी कंपनीज है दोस्तों, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो कि लोगों को हायर कर रही है, बहुत धड़ल्ले से हायर कर रही है। वसालो ग्रुप हो गया, हलमन वेल्ला हो गया, इन सभी कंपनीज में जो है जाके आप इजीली जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही अगर आप माल्टा में अवेलेबल जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, यहां पर आपको मिल जाएंगी कुछ वेबसाइट्स जिन वेबसाइट्स पर जाकर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सीवी और कवर लेटर बनवाना चाहते हैं तो वेट मत कीजिए, जो ऑफर चल रहा है उस ऑफर का फायदा उठाइए, एटीएस के साथ एक कैंडिडेट फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर फ्री पाइए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।